मजा आ रहा है। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा वाटर बोतल दो। दादाजी क्या हुआ? दादाजी उठिए उठिए। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा चक्कर आ गया था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मैं समझ गया दादाजी, मम्मी ने आपको फिर खाना नहीं दिया ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बहू भूल गई होगी, घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, याद नहीं रहा होगा बेचारी को। झूठ क्यों बोलते हैं दादाजी, मैं सब समझता हूँ। मम्मी को मुझे हलवा पूरी मिठाई देना याद रहता है, पापा को खाना देना याद रहता है, अपने भी खा लेती हूँ, सिर्फ आपको खाना देना भूल जाती हूँ, है ना दादाजी? टिंकू ये लो वाटर बोतल और जल्दी स्कूल जाओ। जा रहा हूँ मम्मी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झाड़ू पोछा हो गया हो तो बाजार से जाके सब्जी ले आइए। हे भगवान, हमको तो इतना काम रहता है कि काम से फुर्सत नहीं है, और आप यहाँ आराम करवा रहे हैं। हाँ बहुत आराम करवा रही हो मुझसे तो, कल रात से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होने दिया, भूख के मारे चक्कर आ गया, मैं गिर पड़ा। हाय हाय, इन्हें तो सुना रहे थे आप हमारे टिंकू को? मैंने टिंकू को कुछ नहीं सुनाया, जो कहा उसने ही कहा, समझी? हम साफ समझ रही हूँ। हे भगवान, मैं जिंदा क्यों हूँ, मुझे उठा ले। एक आध दिन की बात हो तब ना, तुम तो हर दो तीन दिन पर खाना देना भूल जाती हो। अरे बुढ़ापे में भी भूख बच्चों के समान होती है। हाय हाय, जरा देखो तो, इनकी नजर बच्चे के खाने पे भी है। बहू बेकार की बातें क्यों कर रही हो? अरे इंसान अगर जानवर भी पालता है तो दो तीन बार खाना पानी दे देता है। एक तुम हो जो पिता के समान ससुर को भूखा रखने का पाप कर रही हो। हाँ हाँ, मैं पागल थी, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, आगे दीजिए उनको, आज फैसला हो जाएगा, या तो आप यहाँ रहेंगे या फिर मैं। दादाजी। अरे टिंकू बेटा, तुम स्कूल नहीं गए? नहीं दादाजी, मैं तो छिपकर आपकी और मम्मी की बातें सुन रहा। दादाजी हम दोनों के बीच क्या तय हुआ था, बोलिए बोलिए। हाँ, 50-50 का। हाँ दादाजी, जो आपको मिलेगा उसमें से आधा मेरा और जो मुझे मिलेगा उसमें से आधा मेरा। तो लीजिए इस टिफिन से आधा टिफिन खा लीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। जाइए तो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बड़ा जिद्दी है रे तू। बेटा तुम उसे रुक मत। अरे टिंकू बेटे स्कूल नहीं गए, तुम्हें नहीं पता फिर स्कूल समय का बड़ा पाबंद है, जल्दी करो। और वैसे आज तुम्हारी छुट्टी तो नहीं? नहीं पापा, छुट्टी नहीं है, मैं स्कूल ही जा रहा था कि। वो बात यह है बेटा कि आज सुबह बहू से कुछ कहा सुनी हो गई और टिंकू ने छिप कर हमारी सारी बातें सुन ली, इसीलिए स्कूल नहीं गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। टिंकू तुम दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हो। नहीं पापा, मम्मी ने कल रात से दादाजी को खाने को कुछ भी नहीं दिया, दादाजी भूखे हैं पापा, इसलिए मैं अपने टिफिन से आधा खाना दादाजी को खिला रहा था। क्यों, घर में खाना नहीं है बाबूजी, जो आप इस बच्चे का खाना खा रहे हैं? नहीं पापा, खाना तो बहुत है पर दादाजी के लिए नहीं है। चुप कर, देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी जुबान खूब चल रही है, और आप बच्चे को ये सब क्या सिखला रहे हैं? आपके साथ रहते रहते यह कितना बदतमीज हो गया है। बेला ओ बेला।
रहे हो? यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल कहीं नहीं गया। हाय, आपसे इंतजार भी खबर नहीं हुआ कि बच्चे की टिकट पर यहाँ क्या कर बैठे? नहीं मम्मी, आपने दादाजी को खाना नहीं दिया ना, इसीलिए। हाय रे किस्मत, इतना बड़ा इल्जाम। अरे मैं तो खाना लाइए रही थी। बाबूजी, इतने बूढ़े हो गए पर अगले जरा सी भी नहीं आए। अरे इतना भी नहीं सोचा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और बेरा, तुमने बाबूजी को खाना क्यों नहीं दिया? हाय हाय, इतना बड़ा इल्जाम, तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे जहर ही क्यों नहीं दे देते? अरे बेरा, नाराज क्यों होती हो? मैंने तो बस यही पूछ लिया। कान खोल कर सुन लो, अभी फैसला कर लो, अपने बाबूजी के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ? बेकार की बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा? जहन्नुम में जाइए, मगर हमारा दिल छोड़िए। बहू, बेकार की बातें क्यों कर रही हो? बेटा, तुम तो कुछ समझाओ ना, आपकी मेरी गलती ही क्या है? भाई, पेट है तो भूख तो लगेगी ही ना। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अपना ही घर बिखरता हुआ नजर आता है, सिर्फ आपके चलते बाबूजी। मम्मी पापा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? दादाजी का और कौन है हमारे सिवा, ये कहाँ जाएंगे? चुप कर, बड़ा है दादाजी का भगत। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम चाहते हैं कि मैं ही घर छोड़ के चली जाऊँ? नहीं बाबू, ऐसा मत करो, मैं कभी खाना नहीं मांगूंगा। अगर इच्छा हो दे देना, नहीं इच्छा हो मत देना, पर मेरे को घर से मत निकालो। लीजिए और सुनिए, मैं इनको खाना नहीं देती। अरे गले में ढोल बांध कर कह दीजिए सबसे कि हम आपको भूखा खा रही हूँ। बाबूजी, अब तो हद हो गई, निकल जाइए ये घर छोड़कर, चले जाइए यहाँ से। मत निकालो मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है? बेटा, पेट है तो भूख तो लगेगी ही ना, और इस दुनिया में कौन है तुम लोगों के सिवाय मेरा? दादाजी मत रोइए दादाजी, मम्मी पापा आप लोग बहुत गंदे हो। सुनिए और सुनिए, क्या क्या पट्टी पढ़ाई है तुम्हारे बाबूजी ने मेरे टिंकू को? अरे इन्हें घर से निकालिए, वरना लड़का घर से निकल जाएगा। ठीक कहती है। बेटा, जब तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा भी हो, जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना ही पड़ेगा ना। जा रहा हूँ, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। नहीं दादाजी, नहीं मत जाइए, रोकिए ना पापा, दादाजी को रोकिए ना। टिंकू छोड़ दो, जाने दो इनको, इसी में हमारे घर की भलाई है। बड़ी कृपा होगी बेटा, एक चादर दे देते, ओढ़ने बिछाने में थोड़ी सुविधा हो जाती। बहु, एक पुरानी चादर हो तो दे दो, इतनी तो दया करो। लीजिए अपनी चादर, और कुछ मत मांग लीजिएगा। अरे दादाजी, 50-50 याद है ना, इस चादर में आधा मेरा हिस्सा है। टिंकू, ये क्या शैतानी है? छोड़ो चादर, चादर फाड़ कर क्या मिलेगा तुमको? छोड़ दो। टिंकू बेटा, चादर नहीं फाड़ दे, फटी हुई चादर किसी काम की नहीं रहती बेटा, किसी काम की नहीं। नहीं दादाजी, वादा वादा होता है, 50-50 का वादा तो निभाना ही है। क्यों फटी चादर, क्या करेगा इसका? ये आधी फटी चादर किस काम की है? यह चादर बड़ी काम की है पापा, जब मैं बड़ा होकर इसी तरह आप दोनों को घर से निकालूंगा ना, यही चादर आप दोनों के लिए। इनको बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसी शिक्षा किसने दी है बेटा? किसने दी? मेरे मम्मी पापा ने अभी अभी मुझे ऐसी शिक्षा दी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता बेटा, कोई नहीं। फिर मम्मी पापा आपको घर से क्यों निकाल रहे हैं दादाजी, बोलिए दादाजी क्यों? टिंकू बेटे, हमें माफ कर दो, हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। बाबू जी, मुझे क्षमा करो। टिंकू मेरे लाल, सचमुच तुमने हमारी आंखें खोल
जब आँख खुले तभी समझो सवेरा होता है। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम दोनों को दिल से माफ कर दिया।